इवन डिपो में रैक मेंटेनेंस के दौरान रैक रैक पे ही कोच का जो वी बेल्ट बदलने का कार्य होता है वो पिट लाइन पे ही किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम जो हमारी प्रोसीजर है उसमें हम सबसे पहले उस कोच की स्क्रू कपलिंग लूज करते हैं, स्क्रू कपलिंग लूज करते हैं। घुमाओ स्क्रू कपलिंग जरा, है ना, घुमाओ। ठीक है, स्क्रू कपलिंग लूज करने के बाद हम व्हील पे वुडन बेस लगाते हैं जिससे कि व्हील का व्हील मूव नहीं हो, है ना। दोनों ट्रॉली पे उधर वुडन बेस की लो, हट जाओ, वुडन बेस लगाते हैं दोनों ट्रॉली पे, उधर की भी ट्रॉली कर ले लो, हट जाओ रामरा, तुम लोग पीछे हो जाओ। टेंशन रॉड अलग निकाल लिया जाता है, टेंशन रॉड अलग निकालने के बाद फिर व्हील और हो गया ना, बस ठीक है वो समझ में आगे लगे। इसके बाद व्हील और ब्रेक ब्लॉक खींचो ट्रस बार, व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच का गैप बढ़ा दिया जाता है जिससे कि वी बेल्ट डालने में दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेफ्टी वायर रोपिन और ब्रेक शू हैंगर पे निकालो, तो निकाला जाता है और नहीं यहाँ से सही आ रहा, अंदर सेफ्टी वायर रोक पिन पे जाओ, रामराज की नहीं लेना सेफ्टी वायर पिन, हैंगर पिन की लेना भाई, मजा नहीं आएगा तुम्हारे वीडियो में, पकड़ना ठीक है, तुम बस ऐसे ही वहाँ दिखा दो पाने लगा। इसके बाद सेफ्टी वायर रोक, अब अंदर से लो सेफ्टी वायर रोक के, अंदर अंदर ठीक है, सेफ्टी वायर रोक के पिन को निकाला जाता है, एक बस ले ली ना, रोक लो बोगी फ्रेम के नीचे, लोअर बोस्टर प्लांक और एक्सल बॉक्स के बीच में रखा जाता है। दूर से लो तब तो वो सब समझ में दिखेगा, ठीक है। जैक लगाने से पहले नीचे वुडन पैकिंग लगाना आवश्यक है और उसके ऊपर भी वुडन पैकिंग लगाना चाहिए, लगाइए। मेजरिंग टेप निकालिए, डिपो में केमटेक पिट लाइन पे ट्रॉली फ्रेम की हाइट नीचे फ्लोर पिलर के फ्लोर लेवल से 850 है, जैक की टोटल हाइट क्लोज पोजीशन पे 660 है, 660 है। इसके बाद हम हाइड्रोलिक जैक को लिफ्ट करेंगे, एक्सल बॉक्स लूप लगाइए दोनों साइड, उसका गैप कम करिए, बोल्ट फंसा दो इसे, चला लो जैक थोड़ा, बस फंसा दो जैक थोड़ा। अब सबसे पहले हम वी बेल्ट को ट्रैक और व्हील के नीचे से हमें डालना है, उसके लिए हाइड्रोलिक जैक को ऑपरेट करेंगे। जैसे जैसे हम जैक से बोगी फ्रेम ऊपर उठाते हैं डैशबोर्ड स्प्रिंग के ऊपर से लोड रिलीज होता है, इस टाइम पे डैशबोर्ड स्प्रिंग एक्सल बॉक्स और व्हील
तीनों एक साथ उठ रहे हैं क्योंकि सेफ्टी लूप है ना एक्सल लॉक विंग के साथ है। अब आप देखिए व्हील धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम व्हील को कम से कम ऊपर उठाएं, इतना डिस्टेंस रखें 25 mm करीब कि हमारे वी बेल्ट उसके अंदर से निकल सके। देखिए इसको देखो ना वी बेल्ट जाएगा ना ये सर जाएगा यार, क्यों उठा। इस प्रकार पूरे बेल्ट सेट को एक एक करके ऐसे ऐसे डालो, ऐसे डालो इस प्रकार एक एक पीछे से लो। हाँ बेल्ट को एक के बाद एक करके व्हील के नीचे डाल दिया जाता है। अब फिर से जैक को रिलीज करके व्हील को ट्रैक के ऊपर लाएंगे, जैक को धीरे धीरे रिलीज करेंगे, दोनों चीज आएगी। जिस साइड से बेल्ट डालने हैं उस साइड एक्सल बॉक्स को टिल्ट करेंगे, राइट साइड एक्सल बॉक्स को टिल्ट करेंगे। सबसे पहले राइट साइड से निकाल लो ना, आप निकाल लीजिए ठीक है वो हो जाएंगे। इसको दूर से लेते रहना ठीक है। अब क्या है बल्ली ला सीख लो, एक्सल बॉक्स टिल्ट करोगे ना, जैक चलाओ फिर से। अब विदाउट एक्सल बॉक्स सेफ्टी लूप के हम जैक को फिर से बोगी फ्रेम को फिर से लिफ्ट करेंगे। बोगी फ्रेम को हमें इतना लिफ्ट करना है कि डैशबोर्ड लोअर स्प्रिंग सीट है ना एक्सल बॉक्स विंग से बाहर निकल जाए। बस हो गया, आप देखिए बोगी फ्रेम ऊपर उठते जा रहा है धीरे धीरे और डैशबोर्ड स्प्रिंग भी फ्री हाइट बढ़ते जा रही है उसकी। है को इधर करना है ना, नीचे करना है, इस साइड करना है, मत बांधो क्या करना, वैसे ही सिगड़े से कर लेंगे। हाँ बांध रहे थे अभी तक, अभी कर देंगे। एक्चुअली वो चीज पता नहीं कि नीचे से कैसे पीछे डालते हैं ठीक है, और ये जैक इतना उठता है कि यहाँ से फ्री हो जाए ठीक है। चलिए नहीं लाए कोई बात नहीं, लूप बांध लो, गाड़ी लग गई है। और क्या है बारी है कोई, उस साइड से बांधो, इधर अपने को करना है ना इस तो भी है। अरे तो इधर नीचे करना है ना, बारी है अपने पास जा रही है। डाल दो ये बोल्ट ही आते बोल्ट डाल दो बस, वैसे ही ऐसे डाल दो उल्टा उल्टा डाल। हां बस चल आइए जी। Thank you.
देखिए ट्रॉली फ्रेम ऊपर उठते जा रहा है और डैशबोर्ड स्प्रिंग बिल्कुल एक साइड की फ्री हो चुकी है। अब हमें वी बेल्ट इस स्प्रिंग को और लोअर स्प्रिंग सीट को ऊपर उठाने के बाद यहाँ से वी बेल्ट डाला जाएगा जो कि व्हील के पीछे तक जाएगा। अब इसी पोजीशन पर रोक के इसको देखिए फिर करो, उसको कटोनी लगा के ऊपर देखो क्या फ्री होगी अभी कि और ज़्यादा उठाना पड़ेगा। अभी बाबा बड़ी वाली कटोनी लाए होंगे ना, सब लाओ निकालो एक यहाँ से लो। एक आदमी कटोनी बारी और लीवर का यूज करते हुए लगाइए वहाँ पे एक्सल बॉक्स लूप फंसाना है क्या, कहाँ लगा रहे तुम्हें ये ऊपर छोटी वाली कटोनी तुम इसको हाथ तो ऐसे रखते रहो महेश। इधर से लो ना गैप बनाना अपने को है ना। हाइड्रल पैड निकालोगे ना तो ऊपर से लगाओ ना उसको यार। तुम जाओ बारी एक उधर से फंसाओ प्रेस बार से, ये इसको पकड़ो स्प्रिंग को जाओ उधर से। अरे नीचे वाले में छोड़ू क्या, अभी छोड़ू ये टच हो गई आपका, ये अभी छोड़ू क्या नीचे वाले, ये बैरल उठेगा आपका। हां निकाल छोड़ना लगा, हाइड्रोल पोर्ट पेट को बाहर निकाल लेंगे जिससे कि गैप बन जाता है। अरे हाथ मत लगा भाई, थोड़ा सा टिल्ट कर ले तो बेल्ट डालते हुए हाँ बस ऐसे दिखा दे। घुमा के निकालो उसको, नहीं नहीं ठीक है रामराज। अब तुम लक्ष्मण तुम पकड़े रहो, रामराज एक बेल्ट डालो बस, बेल्ट को डैशबोर्ड लोअर स्प्रिंग सीट के पीछे साइड से करेंगे, उधर उधर मत ले जाओ, व्हील के ऊपर मत ले जाओ, बस इतना ही रखो, सुनो बस इतना ही रखो ठीक है। इसको पीछे से ले जाके स्प्रिंग के पीछे से खींचेंगे और व्हील के ऊपर से ले जाके पुली तक ले जाएंगे, बस बंद कर दो, बस बंद कर दो। हाँ अब इस टाइम पे ट्रॉली फ्रेम की हाइट देखिए, पहले निकाल लो आप अपना काम कर लो, हाइड्रल पैड डालो, अभी वो पूरा नहीं कर रहा मैं क्योंकि उसमें फिर बेल्ट अपने को दोबारा थोड़ा निकालना पड़ेगा। हैं इधर चेंज कहाँ करा, टूटे तब तो चेंज कराओ ना, जब जब टूटती है तब बोले साहब आज नहीं आज बहुत काम है। अरे रामराज नहीं सर ऐसा नहीं, मुझे सर डालू मैं
1010 ट्रॉली फ्रेम मतलब फ्लोर से 1010 फ्लोर से जेक जो निकला है अपना सब स्टैंडर्ड है वो जाएगी जेक निकला है आपका 200 mm ठीक है हाँ और ये वाला जो है क्लियर है पचास पचास एम एम का यहाँ भी डिफरेंस है चलो